वास्तु में इस तरह के बहुत सारे स्टैचू फोटोज हैं जो आपको घर लगाने से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर उनका सही प्लेसमेंट सही जगह पे किया जाए तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने घर में नज़र आता है। उसमें से एक है हाथी की मूर्ति, अर्थात हाथी का स्टैचू। अगर आप अपने उत्तर दिशा में चांदी का ठोस हाथी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति, ऐश्वर्य और व्यापार वृद्धि होती चली जाती है। एक अच्छे दिन में, एक शुभ दिवस पे ठोस चांदी का हाथी लेकर आ जाइए। और याद रखिए, जब आप अपने घर के अंदर रखते हैं तो हाथी की सूंड ऊपर की ओर उठी हुई ना हो। आप ठोस चांदी का एक पेयर हाथी का, अर्थात दो हाथी लेकर आ जाइए। नवरात्रि में, दशहरे में, दीपावली में, धनतेरस में माँ लक्ष्मी के सामने उत्तर दिशा में या नॉर्थ ईस्ट में हाथी की स्थापना करिए। आप देखिएगा कि आपके व्यापार में अनंत वृद्धि होना शुरू हो जाती है और आपका घर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर जाता है। उसी तरह जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या उनका कंसंट्रेशन नहीं लगता है, उनके कमरे में दो सफ़ेद हाथी अगर आप स्थापित करते हैं उनकी स्टडी टेबल में या उनके पढ़ाई के आजू बाजू पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर, तो उनके माइंड में एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर देते हैं। बेडरूम के अंदर भी हाथी का जोड़ा आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करता है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हाथी लगाकर आप अपने घर को सकारात्मक कर सकते हैं। कुंडली में अगर पांचवें भाव में और 12वें भाव में राहु विराजमान है तो वहाँ भी आप अपने घर में उत्तर दिशा में हाथी की स्थापना करेंगे तो राहु की दशा या राहु ग्रह से शांति मिलती है और उसके ग्रह के प्रकोप से आप बचते हैं। और अगर आप सूंड ऊपर किए हुए दो हाथी अपने मेन गेट के सामने लगाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच आपके घर के चारों ओर सामने बन जाता है, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं ही आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान दोनों को ही हाथी बहुत प्रिय है और इंद्र भगवान का वाहन भी ऐरावत हाथी था। तो हाथी की मूर्ति को या हाथी को हमेशा गणपति या सुख समृद्धि से ही जोड़ा जाता है। तो आने वाले समय में नवरात्रि आ रही है, दीपावली आ रही है, जरूर चांदी का हाथी अपने घर में लेकर आए और अपने घर को सुख समृद्धि से भर दे। मैं अलका विरदी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।